खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से है। पूर्व विधायक का लगातार अस्पताल को शीघ्र चलाने में किया अथक प्रयास। मौरावा का सौसैया अस्पताल डॉक्टरों की उदासीनता के चलते शोपीस बनकर रह गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मौरावा रामलीला मैदान पर लगभग 40 लाख रुपए की लागत से सौसैया अस्पताल का निर्माण कर क्षेत्र की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। इस अस्पताल को चालू कराने में पूर्व विधायक अनिल सिंह का भागीरथी प्रयास था। इस अस्पताल में नियुक्त डॉक्टरों का ना आना और उनकी उदासीनता के चलते यह अस्पताल शोपीस बनकर रह गया। 100 बेड सैया अस्पताल मौरावा का उद्घाटन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल माध्यम से कर चुके हैं। कोविड काल के दौरान पूर्व विधायक अनिल सिंह के अथक प्रयासों से यह अस्पताल को कोविड के लिए सुरक्षित कोविड वार्ड के रूप में बना दिया गया और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए राज्यसभा सांसद संजय सेठ और क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह ने अपनी अपनी निधि से रुपए देकर ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का विशेष कार्य किया। सूत्रों की माने तो अस्पताल में नियुक्त जो डॉक्टर है वो कभी कभी आते हैं और हस्ताक्षर करके चले जाते हैं। जब अस्पताल में कोई पहुंचता है तो वहां पर नियुक्त फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, एक्सरे टेक्सियन, लैब टेक्सियन ही मिलते हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार कई महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे जीविकापार्जन चला पाना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते हमारा परिवार भुखमरी की कगार पर है। वहीं पर नियुक्त एक्सरे टेक्नीशियन सुरेंद्र सिंह, जो गंभीर बीमार से ग्रसित हैं, बड़ी बीमारी उनको दिखाई दे रही है, जो मजबूरी वश ड्यूटी कर रहे हैं। जबकि देखा जाए बीमार व्यक्ति को डॉक्टर स्वयं बेड रेस्ट के लिए कहते हैं, तो क्या सुरेंद्र सिंह को आराम की जरूरत नहीं? जबकि इस अस्पताल की दुर्दशा को लेकर CMO अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वह भी अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। अगर यहाँ नियमित रूप से डॉक्टर बैठने लगे तो क्षेत्रीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा और उन्हें निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत न पड़े। उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, क्या अब वो इस अस्पताल को संज्ञान में लेंगे या नहीं? अब देखना यह है कि शासन प्रशासन कब इस अस्पताल की ओर नजर डालेगा या अधिकारी इसी तरह आ करके अपनी हाजिरी चढ़ाकर चले जाएंगे। उन्नाव से गौरी सिंह की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, आप यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन पर पोस्ट हैं। आप इतने बीमार हैं और ड्यूटी किस तरह कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं कि दस दिन आ गए, पाँच दिन या तीन छुट्टी ले ली, ऐसे ड्यूटी कर। मजबूरी है ड्यूटी करनी है। इस समय आपको आराम की ज़रूरत थी, उस समय आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। आपको तनख्वाह वेतन मिल रहा नहीं मिला? वेतन नहीं मिला। कितने समय से नहीं मिला? तीन महीने हो गए। वेतन के अभाव में आप अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं प्राइवेट। जो पास में था वो तो खत्म हो गया। जो आपके पास में था वो भी खत्म हो गया। अब आप पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इस संबंध में आपने CMO से बात की या अपने अधिकारियों से? दे दिए सूचना। तो वहाँ से क्या मिला? देखो बताया 6-7 तारीख में आ जाए। 6-7 तारीख में तनख्वाह आ जाएगी। ठीक है।